शख्स, जब आप घर लौटते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने जूते उतारते हो ना। इंडिया की गर्मी में आपके पैर जैसे इन जूतों में माइक्रोवेव की तरह पक रहे हैं और वेंटिलेशन जीरो, जिसकी वजह से इसमें आती है पसीने की बदबू। और तो और इतने भारी कि ऐसा लगता है सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ आपके पैरों में बंधे हुए। आप कपड़े तो कई किस्म के पहनते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हो? बस वही आपके फेवरेट टी शर्ट्स में ना, बस वही टी शर्ट वाली फीलिंग हम आपके पैरों के लिए लाए। नमस्कार शाक, मैं गणेश बालकृष्णन बैंगलोर से हूं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लैटहेड शू। और हम बनाते हैं टी शर्ट्स फॉर योर फीट। फ्लैटहेड्स बने हैं बिल्कुल नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से, जैसे बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि, जो आपके पैरों को सांस लेने देते हैं। और ये सोल बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हल्के हैं, 500 ग्राम से भी हल्के, ताकि आप इन्हें रोज लंबे समय तक पहन सकें। ये मटेरियल्स बिल्कुल सस्टेनेबल हैं, तो आपके फीट के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। हमने फ्लैटहेड्स की शुरुआत की थी नवंबर 2019 में, और पैंडेमिक के बावजूद आज 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे ब्रांड लवर्स। हमारे जूते मिलते हैं ऑनलाइन, हमारे वेबसाइट पे और अमेजोन और मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस पे। हमारा रेंज है 1,000 रुपीज के स्लिपर्स से लेके 5,000 रुपीज के फ्लैगशिप बनाना रेंज का। एक और खास बात, ये सारे जूते मेड इन इंडिया हैं फॉर द वर्ल्ड। और हमारा विजन है कि फ्लैटहेड्स को एक ट्रूली इंटरनेशनल शू ब्रांड बनाया जाए। इसके लिए हमारा आस्क है 75 लाख फॉर 3% इक्विटी। तो शार्क्स, who is willing to walk with us with our ridiculously comfortable and innovative shoes? Ganesh, welcome to Shark Tank. Thank you. तो आप तो यार मंजे में खिलाड़ी लग रहे हो, आपका नाम देख कैसा लगा कि सब आपको जानते हैं। I was very excited. और लग रहा है कुछ कस्टमर्स भी हैं आपके, तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए पहले। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT बॉम्बे से, और उसके बाद मैं US में काम किया है। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ, आई एम अ कूल गाय। How many times have you used that line in your life? I just tried that out today. What? 1,000,000th time. So, वहाँ पे लीडरशिप प्रोग्राम में था, और उसके बाद मुझे मौका मिला उनका यहाँ पे इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का 2004 में बैंगलोर में। तो तब मैं बैंगलोर आया, MBA किया। MBA के बाद मैंने कंसल्टिंग किया बेन एंड कंपनी में, उसके बाद हनीवेल ज्वाइन किया बैंगलोर में, और हनीवेल में हमने $20 मिलियन का पोर्टफोलियो इंक्यूबेट किया है इंडिया फॉर इंडिया बिजनेसेस के लिए। इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे मुझे मेरे कोफाउंडर मिले जो डिजाइनर थे, और वहाँ से हमने 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, जिसमें हमने 3 स्टार्टअप किए। सबसे पहले हमने लॉन्च किया मोमो, जिसका नाम था मोबाइल मनी एवरीवेयर। उसके बाद शॉपक्लूज ने हमें अक्वायर किया। पैसे बने, कैश प्लस स्टॉक डील था। जितना कैश था वो हमने अभी फ्लैटहेड्स में लगाया। इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वॉप किया था तब। अच्छा, तो पैसे नहीं बने नेट नेट। चलिए आगे बताइए। एक प्रॉफिटेबल PNL बनाया था हमने वहाँ पे 2 साल के लिए, और हमारे लॉक इन के बाद 2018 में हम शॉपक्लूज से निकले, और तभी हमने फ्लैटहेड्स के बारे में सोचना शुरू किया। Why flatheads? क्यों जूते की कंपनी? क्योंकि एक तो ये पसीने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो मुझे बहुत सालों से है। अच्छा, निजी तजुर्बा। Can we see or try something? Oh yeah, absolutely. That's right. That's clear. I love your look. Thank you very much. For the flatheads. Linen sneakers. These are linen. इन जूतों में फायदा यह है अनुपम, एक बार आप लेस कर लो उसके बाद ये इतने स्ट्रेचेबल हैं कि आप सिर्फ स्लिप ऑन स्लिप ऑफ कर सकते हो। शूज आपके कंफर्टेबल हैं, नो डाउट। या कंफर्टेबल। ये मैले हो जाते हैं तो आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, और फिर ये टी-शर्ट की तरह बाहर ड्राई हो जाता है। They're nice, they're very comfortable. तो आपका कंफर्ट जो फैक्टर है, हाँ, वो तो है। स्टाइल वाइज थोड़ी कमी नहीं लग रही आपको थोड़ी सी? तो आजकल की स्नीकर कम्युनिटी है ना, स्टाइल के लिए, कलर्स के लिए, they are mad about that. So, why is that missing here? हाँ,
दो किस्म के कस्टमर्स हैं, राइट? देयर आर कस्टमर्स जो आप बोल रहे हैं जो होते हैं स्नीकर हेड्स, राइट? और वो जो स्नीकर्स लेते हैं वो जो लिमिटेड एडिशन यीजीज या फिर जॉर्डन्स, राइट, ये जो आते हैं जो यू नो 15,000-20,000 से ऊपर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं वो लोग. हमारा जो जूता है एग्जैक्टली ऑपोजिट है. हमारा जो जूता है आप खरीदते हो पहनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. और इसमें तीन चीजें हैं. एक बेसिक्स होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पे होंगे. उसके बाद इनोवेशन रेंज होगा जैसे हमने यहाँ पे दिखाया होगा, जो क्लाइमेट स्पेसिफिक होगा, जैसे हम मॉनसून के लिए वी आर डूइंग अ वाटर रेजिस्टेंट स्नीकर एज वेल. देन देयर इज द कोलैबोरेशन रेंज जहाँ पे हम लिमिटेड एडिशंस करते हैं. और कोलैबोरेशन में हमने ऑलरेडी 2-3 प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं और बातें भी हो चुकी हैं, अभी बस लॉन्च करने की देरी है. मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने कैपिटल. आपका co-founder किधर है? आया क्यों नहीं हो? Actually, मेरे co-founder, हमारा agreement था कि 3 to 3.5 साल तक हम लोग पहले product detailing करेंगे और product innovation करेंगे और roadmap बना के रखेंगे. उसके बाद उनको transition करना था बाहर, so he is just stepped out और मैं चला रहा हूँ अभी. और उनके पास equity कितनी है? Both of us have 30-30% each. और हमारे angel investors हैं जिनके पास 33%. तो उनका 30% आप buyback करेंगे? Buyback कर लेंगे. दो सवाल है. Sure. सबसे पहले FY22 sales and margin, secondly 33% जो angels को दिया है, last valuation और round क्या था? FY22 हमने 3.4 crore top line किया था. हमारा cost of goods 40% है, तो gross margin 60% है, net of trade margins we are at about 48% और logistics 8%. नहीं नहीं, पैसे बनाए थे? We bleed net of performance marketing. Performance marketing हमारा 60% है, so net of performance marketing we are at -20%. -20%. नमिता, ये one of the highest performance marketing. और काफी महंगे जूते हैं, मतलब आप 5,000 के जूता बेचने के लिए 3,000 spend करते हैं. और आपने 3.5 crore 3.4 crore के sales के लिए valuation मांगा है 25 crores. तो आपका लास्ट राउंड क्या था? क्योंकि शायद फिर पता चले कि why 25. इस साल की भी सेल पूछ लो ना, ये तो पिछले साल की थी. पिछला राउंड हमने 5.2 करोड़ एग्जैक्टली रेज किए थे और ये हमने वैल्यूएशन किया था 28 करोड़ प्री मनी. कब किया था ये? ये हमने रेज किया था अप्रैल 2021. और अभी आप 25 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे हैं, सेम वैल्यूएशन. We are offering you a valuation which is less, little lesser than the previous pre-money. वो इसीलिए पीयूष आपके क्वेश्चन पे आता हूँ. अभी हमारा वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट है और वी आर नॉट इन अ पोजिशन, मतलब हमारा रनवे खत्म होने आया है. कितने पैसे है बैंक में? कितने पैसे? एक्चुअली पिछले 2 महीने में हमने अपने खुद के पैसे लगाए करीब 35 लाख ईच. अभी क्या सेल है? पिछले महीने हमने 15 लाख के सेल्स किए थे टॉप लाइन. कितना बर्न किया लास्ट में? 5.5 lakhs. अगर ये फंडिंग नहीं मिली आज तो क्या होगा? हमारा एक्चुअली प्लान ये है कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने लॉन्च किया था ये अक्टूबर में. काफ़ी रिसर्च किया हुआ है हमने US और UAE मार्केट में. प्राइस सपोर्ट है, हमारा प्राइस एडवांटेज है वहाँ पे. आई एम ऑल्सो बींग ऑपरचुनिस्टिक हियर कि वहाँ पे अगर प्राइस सपोर्ट है, यूनिट इकोनॉमिक्स हैं और कस्टमर्स हैं जो ये ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं $70-80 में, तो मतलब नहीं? इंडिया में प्राइस सपोर्ट नहीं है या आपकी लर्निंग है? इंडियंस अभी भी सस्टेनेबल के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं. एग्जैक्टली. तो इंडिया के लिए इनोवेशंस हैं स्पेसिफिकली व्हिच आर एट लोअर प्राइस पॉइंट्स. ये जो आप ड्राई फिट टी शर्ट पहनते हो जिम में, वो उस मटेरियल से बनता है. तो ऐसे इनोवेशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जो लोअर प्राइस पॉइंट्स पे हो, 2000 to 2500 पे लॉन्च कर सकते हैं. काफी हल्के हैं. अरे कब से मुझे एक बात खटक रही है, 33% इक्विटी आपकी इन्वेस्टर्स के साथ है, राइट? जी हाँ. तो ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, व्हाई आरंट दे कमिंग अलोंग? आप यहाँ क्यों आए? हमारे इन्वेस्टर्स मोस्टली एंजल्स हैं, यू नो इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल चेक्स, राइट? तो ऐसे इन्वेस्टर्स, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है अभी तक? हमारा वीसी नहीं आया है हमारे कैप टेबल में. देखो इन्वेस्टर्स भी कोई बेवकूफ तो है नहीं. आपने कितना पैसा रेज किया है? टिल डेट हमने 10.2 करोड़ से. तो 10 करोड़ कोई ऐसे राइट ऑफ नहीं करता है.
ये कहना सच होगा कि अभी इन्वेस्टर्स ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन कर दिया है कि आप देख लो अब क्या करना है, हम अभी और पैसा नहीं डालेंगे। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू उनकी सोच में ये कंपनी अगर बंद भी, मतलब ये कंपनी बंद हो सकती है। कंज्यूमर ग्राहक भगवान, मैं हमेशा बोलता हूं और लोग ना उसी को भूल जाते हैं। सिंपल फोर पीस क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ जी। और इन चारों में बेसिक्स मिसिंग थे आपके बिजनेस। फीडबैक टेकन अमन, आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल लाइक यू। आपने दो कंपनी चलाई, ठीक है जी, दोनों कंपनीज में एक अच्छा आउटकम नहीं आया, विच इज बाय चांस। आपको क्या लगता है कि कहां गड़बड़ हो रही है? So, पीयूष, मैं मानता हूं कि आई एम नॉट द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। नहीं, क्यों ऐसा? तो मैंने नहीं कहा। नहीं, इट इज सो देयर इज आल्सो क्या कहूंगा, इट हैज टू बी लक मीटिंग अपॉर्चुनिटी। टाइमिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपकी दाद देनी पड़ेगी, आप लगे हुए हैं अभी भी। नहीं, right? और आपकी ऑनेस्टी इज फिनोमिनल। थैंक यू वेरी मच। नो नॉनसेंस, ऑनेस्ट, वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी चला ही नहीं सकता। इसकी क्षमता है मेरे में और मैंने बहुत सारे कंपनी खड़े किए हैं कंपनीज के अंदर। अब बात यह है कि जब आप मार्केट में जाते हो और चार महीने के अंदर कोई जूते पहन ही नहीं रहे क्योंकि कोई घर से निकल ही नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशंस जनरेशन में एक बार आए हैं जो हमारे साथ हुए। गणेश, मैंने डिसीजन बना दिया है। पेडिग्री आपकी बढ़िया है, इवन ये डिजाइन्स जो आपने बोले म्यूटेड एंड मिनिमलिस्टिक मुझे पसंद आए। बट एज एन इन्वेस्टर मेरा फियर मालूम है क्या है? जो इतने सालों से नहीं चला उसे रिवाइव करने टाइम लगेगा। 3-4 महीने में मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप क्या करेंगे 75 लाख का? ये 75 लाख लेके हम अपना फर्स्ट सेट ऑफ शूज इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेंटरी भेजने वाले हैं। आउच, आउच, नो नो। और वहां पे अपना बिजनेस 10% से 30% करने वाले हैं। गणेश, यू नो दिस सिचुएशन ऑफ बैंक में पैसे बचे नहीं हैं, यू नो अपने पैसे डालने पड़ रहे हैं सैलरी देने के लिए, कई बार मैंने देखी है। मैंने रियलाइज किया कि जब आप इन्वेस्टर का पैसा प्रोडक्ट मार्केट फिट होने के पहले ले लेते हो तो आप गलत चीजों पे स्पेंड करते हो। और आज भी जब आप इस सिचुएशन पे आए हो, ये भी अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट शायद हुआ नहीं है क्योंकि इसमें क्वालिटी फिनिश इश्यूज हैं, तो अभी आप अभी भी वहीं पे हैं जहां आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला है। और जो आप अमेरिका की बात करें वो तो आपका मार्केट ही नहीं है, तो आप यू नो भटके हुए हैं। हमारा यू नो लाइक अभी 4 शार्क्स बचे, वही डर है कि 75 लाख भी बस यू नो ऐसे जल जाएंगे जैसे 10 करोड़ जल गए। एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला और आखिरी ड्यूटी क्या होता है मेरे को बताइए? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंडामेंटल ड्यूटी इज टू हिज स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज हिज यू नो इन्वेस्टर्स, हिज फंडामेंटल ड्यूटी इज सर्वाइवल। मुझे कुछ और करना है, मुझे आगे बढ़ना है जी। आपको कभी कभी ये फीलिंग्स आती है बीच बीच में? जरूर आते हैं सर। क्या करते हो उन फीलिंग्स में, कैसे रिएक्ट करते हो? सेल्फ डाउट इज वेरी नॉर्मल इन एंटरप्रेन्योर्स। और जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि बिजनेस बंद होने वाला है तो ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट तो होता ही है। करेक्ट। आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं मतलब प्लान बी की सोच रहा हूँ, बट अभी तक मैंने एक्टिवली जॉब ढूंढना शुरू नहीं किया। सोच रहा हूँ, 2-3 लोगों से बात हुई है दोस्तों but, से। बट बुरा नहीं होता, बट मैं बताता हूँ, बुरा नहीं होता जॉब ढूंढना, इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। आई टेल यू व्हाई। मेरे पास पैसा नहीं बचा था, मेरे पास इन्वेस्टर भी नहीं थे, मैंने बंद कर दी कंपनी।
आगे बढ़ा, 2-3 साल काम किया, पैसे जमा किए, पैसे लेके आया और फिर रीस्टार्ट करा। तो लाइफ में ये बहुत बारी अपॉर्चुनिटी आती है जब तुम रीस्टार्ट करते हो अपनी लाइफ, राइट? यू नो व्हाट आई मीन? इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ गुड एग्जिट टू लाइफ। तो बात सही है, अगर ये इसके लिए फंडिंग नहीं आती है तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। मेरे को थोड़ा अपना लाइफ स्टेज समझाओगे आप? आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, आपके किड्स हैं क्या है? मैं शादीशुदा हूं। अच्छा जी। सो माय वाइफ इज वर्किंग, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक जर्मन OEM कंपनी में काम करती है। तो उसी से खर्चा चलता है? जी। अच्छा। कमाती वो है, उड़ाता मैं हूं। अच्छा। घर पे और मेरी 10 साल की बेटी है। अच्छा। 5th स्टैंडर्ड में। दिनेश, मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले कहा था फाउंडर हैज टू ऑलवेज फाइट फॉर सर्वाइवल, लेकिन आपकी एक और जिम्मेदारी है टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर डॉटर। आपने जब डॉटर कहा ना, मेरी भी एक डॉटर है। आप इतनी क्षमता है, इतनी पढ़ाई की है, आप काफी कुछ कर सकते हो इस बिजनेस में। मुझे लग रहा है यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। ये वैसे मंच इस चीज का नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू गेट बैक ऑन योर फीट, आई हैव एन ओपन ऑफर फॉर यू फॉर अ जॉब। जब आप फिर रेडी हो, आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अ DTC ब्रांड। राइट, आई वॉन्ट यू टू लैंड बैक ऑन योर फीट। दैट्स माई ऑफर। बट यू आर आउट ऑफ फ्लैट हेड्स। बट आई एम आउट ऑफ टुडेज डील। मैं तो सिंपल जो मतलब पहले से एक ही बात बोल रहा हूँ, बेसिक्स आर मिसिंग इन दिस कंपनी। आई विल बेट ऑन यू बट नॉट ऑन योर कंपनी, सॉरी आई एम आउट। मैं बताता हूँ मैं कीन हूँ। मैं ऑफर ही बता देता हूँ, 75 लाख रुपए फॉर 33.3% अंडर द कंडीशन यू विल बी ओपन टू डूइंग वट एवर इज नेसेसरी टू गेट दिस कंपनी टू द नेक्स्ट स्टेज, इंक्लूडिंग गेटिंग पीपल, ऑफरिंग देम इक्विटी who can take this to the next stage. और US में भी जूते नहीं बेचेंगे और मार्केटिंग पैसे आने के बाद जीरो होनी पड़ेगी, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंपनी। तो ये 75 लाख रुपए इज ऑलमोस्ट लाइक रीस्टार्ट, एंड दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। गणेश, आपने जो बोला अबाउट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडिया के लिए जूते बनाना, तो शुगर का स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि इंडिया के लिए लिपस्टिक्स ट्रॉपिकल वेदर के लिए। जी। Having said that, कोई भी चीज वो राइट प्लेस राइट टाइम के पहले वो जर्नी करनी पड़ती है, रॉन्ग प्लेस राइट टाइम, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। वो जर्नी में आप कहाँ हैं, हाउ क्लोज यू आर टू राइट प्लेस राइट टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर बिकॉज आपने इतने फेलियर्स देखे हैं, आप में कुछ तो बात है। आई एम हैप्पी टू जॉइन पीयूष का। चलो, दिस इज अ गुड एंड ये जो डील है, आई थिंक यू नो पहला स्टेप वही होगा विदाउट बर्निंग एनी मनी प्रोडक्ट ऑन। 2 मिनट सोच सकता हूँ? Yes. हाँ जी बिल्कुल। अब मास्टर हो इस चीज के, मुझे पता नहीं, है मतलब गॉड हो इस चीज के। पीयूष, अमन सर वेरी नाइस थिंग, नहीं चल रहा है ना, बंद करके। अरे बंद करो। नो, इट्स डेफिनेटली अ डिसेंट ऑफर एंड दीस गाइस नो हाउ टू डू दिस फॉर श्योर। Correct. So if you get there, cooperation, ठीक है. Mentorship, it's definitely worth it. ठीक है, okay. Good luck. Bye. Thank you. Bye. In my company also, if somebody wants to leave, he's getting a better offer. I said, please go because I don't have money for you, right? क्या करना है pullback? अभी तो ऑफर हो गया, अभी मैं ले लेगा। हाँ ले। अमन, अनुपम, पीयूष, विनीता एंड नमिता, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बहुत सोचा है इसके बारे में और बहुत पर्टिनेंट चीजें कही हैं इसके बारे में। आई थिंक मैं आई नीड टू इवेल्युएट माई प्रायोरिटीज इन लाइफ राइट नाउ।
I really think I will go out there and work with the D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years. This, sorry. No, sorry. But that perspective needs to be built. And the best way to build it is actually work in somebody who's done this before. So, thank you. Thank you for taking the time. But that's what I'm thinking. Actually, re-evaluation mein bahut dino se mere dimag mein chal raha hai. But talking about the business in so much detail, with people who have been there, done that. And understanding that, boss, we are very far away from where we need to go. And what I am thinking in terms of this business, ki kahan jana chahiye. Ye cheez shayad is not the best way forward, is something that is very clear now. It wasn't clear until today. I think wo cheez bahut clarity mili hai mujhe, jiski wajah se main, I really thank you. And yes, I'm definitely going to go back and do something and come back and do D2C again. So Shark Tank is not just about funding, it is also about perspective. Yes. Anna? You're an amazing guy. Amazing guy. To say it in live television, in front of the whole country, saying that takes guts, man. And totally. Entrepreneur jo hota hai na, uski yehi pehchan hoti hai, ki wo gir ke khada hota hai. You are down but not out, my friend. Yeah. Just go with an open mind of what you should do. Yeah. Right? Just, that's all I would say. Thank you. Thanks. And you're a great guy. Yeah. Thank you. Thank you very much. Believe in yourself. आपने रुला दिया हमारे दोस्तों को भी ठीक है